नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे AGTA बॉयज व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप बन गया है, जैसा कि काफी लोगों को उसमें ऐड भी कर दिया गया है। जो पहली लिस्ट वाले बच्चे थे उनको लगभग लोगों को ऐड कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग जो है बच गए हैं। उसमें जो है क्या हुआ कि लगभग 1000 मैसेज आ गए, तो उसमें कुछ लोगों को छूट गए हैं। तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो पुनः से जो PDF आपने या फोटो सेंड किया है उसी पे ऐसे कर दें, कमेंट कर दें, जैसे होता है रिप्लाई उसी पे ऐसे जाके कि सर हमको भी ऐड कर लीजिए, तो आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 1000 लोगों को मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग छूट जा रहे हैं। तो सर, सेकेंड लिस्ट जो आई हुई है उनको जो है बता दीजिए किन किन को सेकंड लिस्ट में चयनित किया गया है। तो पहला नाम है पंकज जायसवाल जी, हैं बलिया से हैं, और जो है आकाश गौर मध्य प्रदेश से हैं, शिवम शर्मा अलीगढ़ से हैं, गजेंद्र सिंह हमीरपुर से हैं, विपुल कुमार जो है बागपत से हैं, जो है रविंदर कुमार यादव जी जौनपुर से हैं, करण झा ललितपुर से हैं, अंकित कुमार वर्मा जी लखीमपुर खीरी से हैं, आशीष कुमार सीतापुर से हैं, शैलेंद्र सिंह जो है ललितपुर से हैं, और राम सागर चौरसिया अम्बेडकर नगर से हैं, सत्यम कुमार जी आजमगढ़ से हैं, संतोष कुमार पाल अम्बेडकर नगर से हैं, राजन जी हैं जौनपुर से, अश्वनी यादव बस्ती से हैं, विपिन वर्मा सीतापुर से हैं, रघुनंदन बलरामपुर से हैं, सूरज वर्मा जी सीतापुर से हैं, DBS जो है सीतापुर से हैं, उमेश सिंह लखीमपुर खीरी से हैं, नितेश कुमार जी जौनपुर से हैं, सूरज सिंह मिर्जापुर से हैं, मोहम्मद अरमान जी जो है हरदोई से हैं, सतीश कुमार पटेल जी प्रतापगढ़ से हैं, प्रभाकर राव जी पीलीभीत से हैं। इसके बाद जो है रविकांत जी मुजफ्फरनगर से, और दीपक शर्मा जी आपने अपना जिला नहीं भेजा है, जिला भेज दें आप। अजय कुमार मौर्य पीलीभीत से हैं, मनीष कुमार जी प्रयागराज से हैं, अविनाश जी अमेठी से हैं, विपिन कुमार वर्मा जी अयोध्या से हैं, शिवाकांत जो है जालौन से हैं, रोहित कुमार जी जौनपुर से हैं, अजय कुमार जी पीलीभीत से हैं, रणजीत सिंह प्रतापगढ़ से हैं, विकास यादव जो है भदोही से हैं, रामप्रीत जी जो है देवरिया से हैं, शिवानंद जी जौनपुर से हैं, अनुप कुमार पांडे जी आपने डिस्ट्रिक्ट नहीं भेजा है भेज दीजिए, अवनीश कुमार बाराबंकी से हैं, आशुतोष श्रीवास्तव प्रतापगढ़ से हैं, अजय शुक्ला जी बस्ती से हैं, संतोष सिंह चौहान जी इटावा से हैं, सिद्धार्थ कुमार सीतापुर से हैं, परीक्षित श्रीवास्तव शाहजहांपुर से हैं, अभिषेक गुप्ता जी मऊ से हैं, संकल्प मौर्य जी सीतापुर से हैं, अनुज कुमार जी शाहजहांपुर से हैं, ऋषभ ओझा जी बक्सर से हैं, रोशन यादव जी जौनपुर से हैं, और विमल पाल जी जो है लखीमपुर खीरी से हैं। 53 नंबर पे आते हैं विकास गुप्ता जी कुशीनगर से हैं, राजेश कुमार जी बस्ती से हैं, विनय प्रजापति जी जौनपुर से हैं, परवेश प्रताप जी NDUT ने इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दिया है, मोहम्मद जावेद जी हरदोई से हैं, दिनेश कुमार जी महोबा से हैं, परीक्षित राय बिहार से हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी चित्रकूट से हैं, गिरवर दयाल जी अलीगढ़ से हैं, रवि शर्मा जी सुल्तानपुर से हैं, समरजीत पटेल सुल्तानपुर से हैं, विपिन पांडे जौनपुर से हैं, मोहम्मद साकिर जी अपना डिस्ट्रिक्ट भेज दीजिएगा, इंद्रपाल सिंह जी अपना डिस्ट्रिक्ट आप भी भेज दीजिएगा, प्रभाकर जी सुल्तानपुर से हैं, प्रतीक्षा झांसी से हैं, प्रतीक्षा जी झांसी से हैं, कृष्णवीर सिंह मेरठ से हैं, पुष्पेंद्र सिंह यादव जी बदाऊ से हैं, अमित वर्मा जी सुल्तानपुर से हैं, विवेक कुमार वर्मा जी लखीमपुर खीरी से हैं, विजय कुमार वर्मा जी प्रतापगढ़ से हैं, विकास त्यागी जो है मुजफ्फरनगर से हैं, अनुराग मौर्य अयोध्या से हैं, आशीष पाल जी उन्नाव से हैं, अखिलेश वर्मा जी महोबा से हैं, सुरजीत त्रिपाठी जी सुल्तानपुर से हैं, मनीष कुमार यादव जी जौनपुर से हैं। तो ये जो है मनीष कुमार जी जौनपुर से हैं। उसके बाद हैं विपिन कुमार जी आजमगढ़ से, अजय कुमार जी मथुरा से हैं, और दिव्यांशु सिंह जो है बाराबंकी से हैं, विकास कुमार मौर्य जी जौनपुर से हैं, मोहित कुमार जी जो है कन्नौज से हैं, रवि कुमार जी अमेठी से हैं, अर्जुन यादव जी बस्ती से हैं,
राहुल मौर्या जी जो है सोनभद्र से हैं, रवि कुमार जी मैनपुरी से, विपिन कुमार जी सीतापुर से, राम जी जो है हरदोई से हैं, और इसके बाद अवनीश कुमार जी पीलीभीत से, पंकज कुमार आजमगढ़ से, अभिषेक भारती सीतापुर से, सुनील यादव जी सिद्धार्थनगर से हैं, विनय कुमार जी बस्ती से हैं, रवि प्रकाश जो हैं सीतापुर से हैं, विपिन तिवारी जी जो हमारे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं ये अम्बेडकर नगर से हैं, मंगेराम जी मुजफ्फरनगर से हैं, प्रवीण कुमार जो है बुलंदशहर से हैं, उमेश यादव जी अयोध्या से हैं, गोविंदा जी जो है रामपुर से हैं, रमेश वर्मा जी बस्ती से हैं, मनेन्द्र प्रताप जी हैं सीतापुर से, गजेंद्र सिंह जो है अमरोहा से हैं, चंद्र प्रकाश जी हमीरपुर से हैं। इसके बाद जो हैं अजय कुमार जी सीतापुर से हैं, अंकित सैनी जी मुरादाबाद से हैं, सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी बनारस से हैं, रजनीश कुमार यादव प्रयागराज से हैं, सुरेंद्र कुमार जी अम्बेडकर नगर से, संदीप राजपुर जी हमीरपुर से हैं, रजनीकांत गौतम जी जो है जौनपुर से हैं, नीरज पटेल जी वाराणसी से हैं, राहुल यादव एटा से हैं, मुकेश चौधरी जौनपुर से हैं, इसके बाद जो है मुकेश चौधरी जी जौनपुर से हैं, अभिनव वर्मा जी लखनऊ से हैं, मोहम्मद जीसान जी सीतापुर से हैं, विजय कुमार केसारी जो है ये अपना डिस्ट्रिक्ट आप भेज दें, आकाश कुमार जी जो है बरेली से हैं, सचिन जी कन्नौज से हैं, सत्येंद्र यादव जी देवरिया से हैं, जितेंद्र यादव जी भी देवरिया से हैं, दीपक कुमार जी सोनभद्र से हैं, राघवेंद्र शरण बस्ती से हैं, संदीप जी जो है लखीमपुर से हैं, अनुज मौर्य जी अम्बेडकर नगर से हैं, नीरज जी प्रयागराज से हैं, वहीं राजकुमार जी इटावा से हैं, नीरज उत्तम पटेल फतेहपुर से हैं, दीपक कुमार जी आजमगढ़ से हैं और प्रज्वल प्रताप जी मुरादाबाद से हैं। तो 131 नंबर पे राहुल कुमार जी बनारस से हैं, रजनीकांत जी गौतम जौनपुर से हैं, धर्मेंद्र कुमार सीतापुर से हैं, देशराज लखीमपुर से हैं, मानवेंद्र सिंह लखीमपुर से हैं, उमेश कुमार जी बरेली से हैं, धर्मचंद्र गोंडा से हैं, अनिल कुमार जी सीतापुर से हैं, सर्वेश कुमार मौर्य जी जौनपुर से हैं, रविंदर कुमार वर्मा जी बनारस से हैं, रमेश पटेल जी अम्बेडकर नगर से हैं। और कुछ सर बच्चे? हाँ हाँ अभी और है जी, रामनाथ जी बलरामपुर से हैं, विक्रम सिंह पटेल बादा से हैं, इंद्रजीत त्यागी जी प्रतापगढ़ से हैं, अंकित वर्मा जी उन्नाव से हैं, प्रदीप मौर्या जी बनारस से हैं, संदीप कुमार बरेली से हैं, के पांडे करके आपने नाम भेजा है, आप भदोही से हैं, आपने पूरा नाम नहीं भेजा है, कोई बात नहीं, आप अपना पूरा नाम भी भेज सकते हैं। तो इन लोगों को जो है सेकंड लिस्ट में जो है चयनित किया गया है, कुछ लोग हो सकता है कि छूट गए हों तो वो लोग अपना नाम फिर से भेज सकते हैं, ठीक है। तो जो है इतने लोगों को जल्द से ही जल्द ऐड कर दिया जाएगा, आज या कल में ऐड कर दिया जाएगा। जो लोगों का नाम छूटा है उनको जो है लिस्टिंग करके अगले वीडियो में हम बता देंगे। और वीडियो में जिनका जिनका नाम लिया गया है वीडियो में आप कमेंट करके बताएंगे यस मेरा नाम लिया, मतलब यस करके भेजेंगे, जिसका नहीं लिया गया है नो करके भेजेंगे, और व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा सर नाम नहीं लिया गया तो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो के अन्य वीडियो के नाम माध्यम से बता दिया जाएगा कि नई लिस्ट थर्ड लिस्ट बॉयज में किसकी आई है या गर्ल्स में किसकी आई है, उनको भी गर्ल्स भी अपना बता सकते हैं, वो थर्ड लिस्ट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है क्या करें, आप लोगों को जब ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा उसके बाद क्या है, उसके बाद ग्रुप के मेंबर को करना क्या है, बहुत सारे जैसे बताएं हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो काफी दिनों से हमसे जुड़े हैं, जब से न्यू अकेडमी फैमिली स्टार्ट हुआ है रन करना तब से जुड़े हैं, मान लीजिए कोई लोग अभी 2-4 महीने से जुड़े हैं, तो वो लोग जो है पिछले जो 2-4 महीने से भी जुड़े हैं उन लोगों ने अपना सिलेबस काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होली तक टारगेट है कि पूरा सिलेबस को समाप्त किया जाएगा, तो वो लोग भी साथ साथ सर चल रहे हैं बढ़िया से, बहुत सारे ऐसे लोगों ने भेजा है कि सर देखिए हमारा पूरा सिलेबस हमने आपके द्वारा बनाए हुई चीजों को पढ़ा, मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, पीडीएफ जो है जो मित्र पीडीएफ हमारे बना रहे हैं व्यूअर्स हमारे पीडीएफ बना रहे हैं उस पे अपना नाम लिख लेना, एक पेज पे अपना नाम लिख लेना और न्यू अकेडमी ऑफिशियल लिख के जो है उसको पीडीएफ बना करके भेज दीजिएगा आप लोग जी। तो जो पिछले 2-4 महीनों से जुड़े हैं उन लोगों ने मेहनत करके खुद से अपने हाथों से वीडियो देख देख के पूरा अच्छे से नोट्स बनाया है,
तो वो लोग जो है होली तक कंप्लीट ही कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, होली के बाद उनका प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे में वो आते हैं, मान लीजिए जो लोग अभी हफ्ते 10 दिन से जुड़े हैं या किसी मित्र ने उनको अभी बताया कि जो है न्यू अकेडमी ऑफिसियल से आपसे जुड़ जाएं, आपको वहां पूरा सिलेबस कराया जाएगा। वे मित्र क्या करें, वे मित्र जो है अभी जो है फरवरी और मार्च, पूरा और पूरा फरवरी मार्च रोज जो है डेली हिंदी का 2 वीडियो, और वीडियो भी ज्यादा लंबे नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट, अर्थात आप 4 से 5 घंटे मेहनत करेंगे जो है, तो आपका जो है आराम से सर जो है हमें लगता है कि आप मार्च लास्ट में ही या 15 मार्च तक ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेहनत कर लीजिए बस आराम से। तो आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए, 31 मार्च तक आपको हम टाइम दे रहे हैं, पूरा आप जो है अपने सिलेबस को फिनिश कर लीजिए। पूरा प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, आपको प्लेलिस्ट मिल ही गया है, तभी आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग जो है उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और आपका प्रैक्टिस जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अर्थात कहने का मतलब 2 प्रैक्टिस 2 बार में स्टार्ट होगा, एक जो है होली के जस्ट बाद ही स्टार्ट होगा और दूसरा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, ग्रुप का उद्देश्य यही है, जितने लोग आप लोग भरोसा करके आए हैं, पहले तो उन लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोगों ने हम पे विश्वास जो है जताया है, उस विश्वास को हम कायम रखेंगे। और जो आप लोगों का उद्देश्य है वही ग्रुप का भी उद्देश्य है कि आप लोगों को सिलेक्शन जो है दिला के ही दम लेना है। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे, प्लेलिस्ट भी अपडेट किया, हाँ प्लेलिस्ट इसीलिए अपडेट कर दी गई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको हिंदी देखना है तो आपको भटकना नहीं है कि सर हमने एक वीडियो देख लिया कि सर्च करना है जाके कि राधे सर का हिंदी वाला वीडियो, ऐसा नहीं करना। आपको पूरा जो है ग्रुप में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप हिंदी क्लिक करेंगे तो पूरा हिंदी का वीडियो आ जाएगा, रीजनिंग पे क्लिक करेंगे पूरा रीजनिंग का आ जाएगा, ऐसे जो भी पढ़ना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगा। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को जिस स्टेज पे हैं उससे आगे बढ़ा के जो है पूरा कर लें, यही ग्रुप का उद्देश्य है। जब आप इतना कर लेंगे तो आपके पास एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा, उसका बार बार आप रिविजन करेंगे और उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, फिर इससे बताइए इससे अच्छी तैयारी और क्या हो सकती है, अर्थात हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हम किसी भी जो है एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, अर्थात EGTA में अपना जो एक सीट पाने का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो आप लोग जो है मेहनत करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए कि आप जो है इधर उधर ना भटके, न्यू अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जो है पूरा जो है फ्री में कराया रहा है और पूरा सिलेबस को होली तक कंप्लीट भी करा के आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जो है मित्रों तक अपने पहुंचाना है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।